जय श्री महाकाल। साप्ताहिक राशिफल 31 मई से 6 जून 2020। पांच ग्रह वक्री होने से देश में व्यापार में उठाव आएगा एवं सेंसेक्स में तेजी आ सकती है। तेल एवं आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं। जमीन के कारोबार में भी तेजी आ सकती है। उत्तर क्षेत्र में प्रकृति के प्रकोप का योग है। मेष राशि, अकेलापन महसूस होगा, दूसरों से ज़्यादा स्वयं से शिकायत रहेगी। आय अच्छी रहेगी किंतु काम में मन नहीं लगेगा। नकारात्मकता हावी हो सकती है, यात्रा टल सकती है। परिवार वाले सहयोग करेंगे। गुरु एवं शुक्रवार को प्रसन्नता प्राप्त होगी। शनिवार को आय की कमी रहेगी और व्यय भी बढ़ सकते हैं। व्यापार में संघर्ष होगा एवं नौकरी में गुप्त शत्रु परेशान करेंगे। पढ़ाई में कम मन रहेगा विद्यार्थियों के लिए। नए सत्र के प्रति उत्साह नहीं रहेगा। स्वास्थ्य में उदासी, शुगर, गर्दन में दर्द एवं आँख की समस्याएं हो सकती हैं। साथी से अनबन हो सकती है। प्रेम में जीवन साथी से सुख रहेगा। शिवालय में आग के फूल अर्पण करें। वृषभ राशि, गुरु मंगल की दृष्टि है। पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा। भाइयों से मदद प्राप्त होगी एवं भाग्य का साथ मिलेगा। आरंभ में आय कम रहेगी किंतु मंगलवार से उसमें सुधार हो जाएगा। स्थायी संपत्ति में वृद्धि का संकेत है। प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क बढ़ेगा। सप्ताह अंत में यात्रा का योग है। विवादित मामलों में मजबूती आएगी। प्रोफेशन में, व्यापार में उत्तम रहेगा एवं कर्ज भी लेना पड़ सकता है। नौकरी में सामान्य समय रहेगा। शिक्षा में नए सत्र में प्रसन्नता रहेगी। पढ़ाई समझ में आएगी। सहयोग भी प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में कान में दर्द एवं पीठ में जकड़न हो सकती है। नींद की अधिकता होगी। प्रेम अनुरोध अस्वीकार होगा एवं वैवाहिक कार्रवाई में विलंब हो सकता है। श्री शिव जी को मिष्ठान का भोग लगाएं। मिथुन राशि, समय विचलित करने वाला है। कोई भी कार्य सीधी तरीके से नहीं हो पा रहा है। कार्यों में विघ्न उपस्थित है। यह समय स्थिर रहने का है। निवेश से बचें एवं कोई नई बात की योजना नहीं बनाएं। परिवार में भी विवाद हो सकता है। आय में कोई वृद्धि नहीं हो पाएगी। बुध राहु के गोचर से पैतृक लाभ जरूर हो सकता है। व्यापार में ऋण लेने की आवश्यकता हो सकती है। नौकरी में संभल कर कार्य करें। शिक्षा में प्रवेश आदि में बाधा आ सकती है। विषयों के चयन में असमंजस रहेगा। स्वास्थ्य में गर्दन में दर्द, रक्तचाप, बाल झड़ना, आलस्य वृद्धि हो सकती है। प्रेम में साथी से सहयोग मिलेगा एवं जीवन साथी भी अनुकूल रहेगा। शिवालय में शाम को घी का दीपक लगाएं। कर्क राशि, संतान से सुख, भाग्य का साथ एवं आय में वृद्धि रहेगी। कार्य व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे। आलस्य से नुकसान होगा। पारिवारिक समारोह में शामिल होने का मौका प्राप्त होगा। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शुक्रवार की शाम से सतर्क रहने का समय रहेगा। व्यय की अधिकता एवं अचानक कोई परेशानी आ सकती है। व्यापार में नए कार्य मिलेंगे एवं नौकरी में पद वृद्धि का योग है। पढ़ाई में ज़्यादा संलग्नता रहेगी। नए विषयों में रुचि जागृत होगी। स्वास्थ्य में गले में छाला, सर्दी जुकाम, होंठ फटना एवं गर्मी से दिक्कतें हो सकती हैं। प्रेम में साथी से दूरी एवं वैवाहिक जीवन में उदासीन रह सकते हैं। श्री शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पण करें। सिंह राशि, आय में सुधार एवं काम में तेजी रह सकती है। दूसरों के प्रति व्यवहार में रुखापन आ सकता है। संपर्कों का लाभ मिलेगा एवं कार्यस्थान में प्रफुल्लित वातावरण रहेगा। यात्राएं सुखद रहेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। अज्ञात भय भी बना रहेगा। सप्ताह अंत में खुशी का समाचार मिल सकता है। व्यापार में नए काम मिलेंगे एवं नौकरी में वेतन वृद्धि का योग है। शिक्षा में, पढ़ाई में औसत रहेंगे एवं नए सत्र के प्रति उत्साह नहीं रहेगा। पढ़ाई में थोड़े कमजोर भी रह सकते हैं। स्वास्थ्य में गर्दन में दर्द, कफ, तनाव एवं शुगर बढ़ने की समस्याएं हो सकती हैं।
प्रेम में साथी से निकटता बढ़ेगी, वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। शिवलिंग पर श्वेत पुष्प अर्पण करें। कन्या राशि, आज शाम तक व्यय की अधिकता एवं अनावश्यक परेशानी आ सकती है। कल यानी कि सोमवार से समय में सुधार दिखाई देगा, कार्य में तेजी आएगी एवं नए ऑफर्स भी प्राप्त होंगे। गुरु एवं शुक्रवार सबसे बेहतर दिन रहेंगे। शनिवार को यात्रा का योग है, परिवार का साथ भी मिलेगा, विवादों में विजय प्राप्त होगी। व्यापार में नए सौदे प्राप्त होंगे एवं नौकरी में स्थानांतरण योग है। थोड़ी सी परेशानियां नौकरी में बनी रहेंगी। शिक्षा में अध्ययन में रुचि रहेगी एवं शिक्षक भी सहयोग प्रदान करेंगे। स्वास्थ्य में त्वचा, फुंसी, फोड़े, डेंड्रफ, दांत एवं कमर में समस्याएं हो सकती हैं। प्रेम में साथी से विवाद हो सकता है, जीवन साथी भी कुछ उदास रहेगा। शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पण करें। तुला राशि, द्वादश चंद्र मंगलवार तक कठिनाई, आय कम एवं खर्च ज़्यादा, अनावश्यक विद्युत उपकरण वस्तुएं खराब हो सकती हैं। मंगलवार दिन से समय पक्ष का रहेगा, आय में वृद्धि होगी एवं विवादों में विजय प्राप्त होगी। बाधित कार्यों में गति आएगी, नए लोगों से संपर्क होगा। शुक्र एवं शनिवार सबसे बेहतर दिन रहेंगे। व्यापार में नई जगहों पर जाना होगा, नौकरी में अधिकारी संतुष्ट रहेंगे। शिक्षा में अध्ययन में व्यवस्थित रहेंगे एवं संसाधन का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य में पेट, वायु विकार, चोट एवं दाढ़ में दर्द की समस्याएं हो सकती हैं। प्रेम में साथी से दूरी समाप्त होगी एवं वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। शिव जी को इत्र अर्पण करें। वृश्चिक राशि, गुरु एवं शुक्रवार को छोड़कर शेष सभी दिनों में आराम रहेगा। विरोधी पीछे रहेंगे एवं कार्य समय पर संपन्न होंगे। संपर्क लाभदायी रहेंगे, धन की आवक सुगम बनी रहेगी। प्रसिद्ध लोगों से मुलाकात होगी। बुधवार का यात्रा का योग है, संतान से सुख मिलेगा एवं नए वाहन खरीदने का मन बनेगा। व्यापार में सोच के विपरीत काम होंगे, नौकरी में परेशानी हो सकती है। पढ़ाई के अलावा अन्य कार्यों में संलग्न रह सकते हैं एवं रचनात्मकता भी बनी रहेगी। स्वास्थ्य में मांसपेशी में खिंचाव, जकड़न, कफ एवं खांसी की शिकायत हो सकती है। प्रेम में प्रेम अनुरोध अस्वीकार होगा एवं वैवाहिक प्रस्ताव में विलंब हो सकता है। श्री शिव जी को चंदन अर्पण करें। धनुराशि, कार्य अधिक, तनाव ज़्यादा एवं कार्य के अनुसार लाभ में कमी रहेगी। अनावश्यक विवाद हो सकते हैं, कीमती सामान के गुम हो जाने की संभावना है। आवश्यक कागजात नहीं मिलने से परेशानी होगी। शुक्र एवं शनिवार को परेशानियां ज़्यादा रह सकती हैं। व्यय अधिक एवं तनाव भी थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। व्यापार में उधारी से बचें। नौकरी में नए काम मिल सकते हैं, स्थानांतरण भी हो सकता है। शिक्षा में अध्ययन में बाधाएं आ सकती हैं, शिक्षक से दूरी बन सकती है और संसाधनों की कमी भी हो सकती है। स्वास्थ्य में जोड़ों में दर्द, आँखों में परेशानी, शुगर वृद्धि, अपच की समस्याएं हो सकती हैं। प्रेम में साथी से विवाद हो सकता है, जीवन साथी का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाएगा। श्री शिव जी को फलों का भोग लगाएं। मकर राशि, केवल आज की परेशानी है, आज ने आज रविवार की, कल सोमवार के बाद के समय में आय वृद्धि के साथ अटके धन की प्राप्ति एवं विवादित मामलों में विजय प्राप्त होगी। मित्रों से सहायता प्राप्त होगी, यात्रा सुखद रहेगी, मांगलिक उत्सव में शामिल होने का मौका प्राप्त होगा। सप्ताह अंत भी सुखद रहेगा, उत्साह रहेगा, व्यापार में तेजी रहेगी एवं नौकरी में सुखमय वातावरण रहेगा। शिक्षा में पढ़ाई के लिए अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, उच्च स्तर की पढ़ाई में सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में त्वचा, बाल, कान एवं कमर में समस्याएं हो सकती है, पैर में ठोकर लग सकती है। प्रेम में साथी से सहयोग एवं जीवन साथी से संबल प्राप्त होगा। कुमारों को विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं। शिव जी को घी का दीपक अर्पण करें। कुंभ राशि, अष्टम चंद्र आत्मविश्वास को कमजोर करेगा, भविष्य के प्रति चिंता रहेगी,
संतान की तरफ ध्यान देना होगा, आय अच्छी बनी रहेगी। बुध एवं गुरुवार को तनाव ज़्यादा रहेगा, क्रोध की अधिकता एवं कार्य में बाधा आएगी। शुक्रवार से कुछ राहत प्राप्त होगी, विरोधी गुप्त रूप से सक्रिय रहेंगे, सतर्क रहना होगा आपको। प्रोफेशन में व्यापार सामान्य रहेगा एवं नौकरी में अधिकारी कुछ नाराज हो सकते हैं। शिक्षा में अध्ययन में मन रहेगा, संसाधन उपलब्ध होंगे एवं सहयोग भी प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में पैर में चोट लग सकती है, जोड़ों में दर्द, दाढ़ एवं मुंह में छाले हो सकते हैं। प्रेम में निराशा मिल सकती है, वैवाहिक कार्य में विलंब हो सकता है, जीवन साथी से दूरी बन सकती है। शिव जी को कच्चा दूध एवं काला तिल अर्पण करें। मीन राशि। शनि की दृष्टि अनुकूल है, चंद्र समय अच्छा है, सफलताएं प्राप्त होंगी, नए कार्यों के प्राप्ति होगी एवं बाधाएं भी समाप्त होंगी। सभी ओर से सहयोग प्राप्त होगा। गुरुवार की सुबह से कुछ विपरीत परिणाम भी मिल सकते हैं। शुक्रवार तक समस्याएं बनी रहेंगी, शनिवार पुनः पक्ष का हो जाएगा। व्यापार अच्छा रहेगा एवं नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। शिक्षा में नए सत्र में आनंद रहेगा, रुचि बनी रहेगी एवं अध्ययन व्यवस्थित रहेगा। स्वास्थ्य में पेट, कमर एवं सर में दर्द हो सकता है, कीड़े के काटने से भी समस्याएं हो सकती हैं। प्रेम में साथी से सहयोग मिलेगा एवं वैवाहिक साथी कुछ नाराज रह सकता है। शिवलिंग पर जल अर्पण करें। जय श्री महाकाल। इंस्टाफीड।